पार्षदों ने आमजन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कार्यालय नगरपालिका पर ताला लगा दिया। धरियाबाद नगर में रोड लाइट, नगर में सफाई नहीं होने, सुलभ कॉम्प्लेक्स गंदगी का आलम एवं आम जनता के कामों में लापरवाही, नगर में वार्ड वाइज सफाई व्यवस्था खराब, बंद पड़े हैंडपंप को सही करवाना, सफाई के लिए लगाए गए उक्त दोनों टेपों में शुरू करवाना, बंद खराब पड़ी हवाई मास्क लाइफ व रोड लाइट को सुचारू रूप से चालू करवाना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान करवाना, सफाई के लिए झाड़ू ट्रॉली उपलब्ध कराई जाए, आवारा मृत पशुओं को उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था की जाए इत्यादि मांगों को लेकर नगरपालिका भाजपा समर्पित पार्षदों के नेतृत्व में पार्षदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से बजट पर अनुमोदन व पारित प्रस्तावों पर नगर के विकास की चर्चा करने हेतु नगरपालिका में पार्षद एकत्रित हुए, जहां अधिशासी अधिकारी व नगरपालिका के अन्य स्टाफ को बाहर कर मेन गेट बंद कर ताला लगा दिया। सभी पार्षदों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जो बीजेपी पार्षदों ने आज तालाबंदी की, नगर पालिका कार्यालय पे विकास नहीं होने के कारण, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? तालाबंदी चेयर में पार्षदों ने विभिन्न मांगों, लाइट से संबंधित सीसी रोड कार्य नहीं हो रहे हैं, इसके किए थे, इसमें चेयरमैन साहब को अवगत करवा दिया गया है। वो कह रहे मैं जयपुर गया हूँ, दो दिन में वापस आके आगे कार्रवाई करेंगे और जो भी काम रुके उनको शुरू कर रहे हैं। तो सर आज ही अवगत करवाया आपने, पहले भी अवगत कराया, इन्होंने पहले भी शायद एक बार तालाबंदी की थी या ऐसा कुछ किया था? इन लोगों व्यक्तिगत निजी कारणों से बात है, वो आएंगे तो भी समस्या का समाधान। पार्षदों का आरोप है कि जब पहली बैठक हुई थी बजट प्रस्ताव को लेकर, प्रस्ताव बनाए गए थे लेकिन उसको उस पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई आगे नहीं बढ़ा, कारण आगे बढ़ रहे हैं प्रस्ताव में रैली गए, नाली निर्माण के और रोडों के काम रैली गए, वित्तीय स्वीकृति देर में साथ मिलकर टेंडर अपलोड कर दिए जाएंगे और आगे कार्य शुरू हो जाएगा। दरियाबाद नगर पालिका के भाजपा पार्षदों द्वारा नगर पालिका पे तालाबंदी की गई है, इसका मुख्य कारण है दरियाबाद में रुका हुआ विकास कार्य। जब से दरियाबाद नगर पालिका बनी है तो कुछ समय तक तो सभी पार्षदों ने इंतजार किया है कि चलो बजट आएगा उसके बाद विकास कार्य लागू किया जाएगा। विकास कार्य का जो बजट अनुमोदित किया गया लगभग 1900 लाख रुपये का, उसके बाद भी अभी तक एक रुपये का काम भी नगर पालिका में नहीं हुआ है। इसके लिए हमने जब CEO साहब से जानकारी जानी चाहिए तो बोले कि चेयरमैन साहब इसमें सहयोग प्रदान नहीं कर रहे, और चेयरमैन साहब से बात की तो बोले CEO साहब सहयोग नहीं कर रही। तो जब तक दोनों का समायोजन नहीं बैठ जाता है तब तक भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका पे तालाबंदी की गई है। अगर ये आ जाए और काम में विकास कार्य चालू करवाए तो नगर पालिका का ताला खोला जाएगा। धन्यवाद।